हमने लास्ट लेक्चर में देखे मटेरियल वेव्स, उसके बाद उसका फार्मूला, इलेक्ट्रॉन के साथ मैटर वेव एसोसिएटेड होती है उसका फार्मूला अपन ने देखा, और एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जैसे 54 अगर रखा गया कैथोड एनोड के बीच में तो उसकी जो वेवलेंथ आती है वो 1.67 आती है, ये भी अपन ने देखे। हमें पता है हम डिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा है ना, तो डिफ्रैक्शन कब होता है वेव का, तो जब ओपनिंग उसके लिए जो अवेलेबल होती है वो अगर उसके वेवलेंथ से कंपेरेबल अगर है तो बेंडिंग ऑफ द बीम ऑब्जर्व होता है, जिसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और डिफ्रैक्शन में भी फिर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है वहाँ कहीं सुपर पोजिंग इन फेज होती है, आउट ऑफ फेज होती है, उसके अनुसार हमें मैक्सिमा और मिनिमाज मिलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो वेव है वो अब द ऑर्डर ऑफ 1.67 1.65 इस प्रकार से बताई गई है। तो कुछ क्रिस्टल्स जिनके एटॉमिक स्पेसिंग्स लगभग उस ऑर्डर का होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का अगर वेव एसोसिएटेड है समझे इलेक्ट्रॉन के साथ तो डिफ्रैक्शन जरूर होगा, मतलब कहीं ना कहीं सुपर पोजिशन होकर मैक्सिमा मिनिमा इस प्रकार की बातें हमें मिलेगी, ऐसा डेविशन और जर्मर को लगा। और इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम है डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ बताया गया है, डायग्राम्स अलग अलग हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक में थोड़ी अलग है, मैंने एक डायग्राम निकाली है। इट कंसिस्ट ऑफ एमिटर साइड जहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने वाला है, इट कंसिस्ट ऑफ थर्मियनिक एमिटर, मतलब एक फिलामेंट होता है जिसको टेम्परेचर यानी उसका टेम्परेचर राइज किया जाता है, जो कैथोड को दिया जाता है, फिर कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। कैथोड है एनोड है, इन द फॉर्म ऑफ द स्लिट जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने वाला है, और इधर क्रिस्टल वोल्टिंग असेंबली है, ये पूरा का पूरा एक इवेक्यूएटेड बल्ब के अंदर होता है, यहाँ अपन ने बाहर बताया है। कैथोड को निगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है, और यह फिलामेंट है जिसको अलग से बैटरी प्रोवाइड की जाती है, इसमें से करंट फ्लो होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा, थर्मियनिक एमिशन लास्ट पीरियड में मैंने बताया उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ये जो एनोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे स्लिट के फॉर्म में, तो जस्ट वो उसको रास्ता देता है, एक्सेलरेट करता है, एनर्जेटिक करता है, वैसा एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है बाद में एक निकेल क्रिस्टल लिया जाता है जिसका एटॉमिक स्पेसिंग यानी 0.9 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास होता है, उसके ऊपर उसको इंसिडेंट किया जाता है। और फिर जब इंसिडेंट होता है उसकी एटॉमिक स्पेसिंग कंपेरेबल टू द वेवलेंथ होने के कारण, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो मैटर वेव की वेवलेंथ है उससे कंपेरेबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है, स्कैटर्ड होते हैं वो, और वो स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट डायरेक्शन में होने वाले हैं उनके मेजरमेंट के लिए एक डिटेक्टर रखा जाता है, एक स्केल रहती है, उस स्केल पे ग्रेजुअली उसको इधर उधर घुमा सकते हैं, और उसके कारण जो अपन ये कहेंगे स्कैटर्ड जो एंगल है यानी एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बीच का, जिसको फाई से डिनोट किया जाता है, वो डिफरेंट डायरेक्शन वाले स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए नोट किया जाता है। तो ये कुछ सिंपल उसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट कैथोड एनोड क्रिस्टल होल्डिंग असेंबली एंड द डिटेक्टर, ये मेन उसकी चीजें हैं। कैथोड को निगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है, फिलामेंट द्वारा टेम्परेचर बढ़ाकर थर्मियनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन को मिलाया जाता है, या एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को निकेल क्रिस्टल जिसका एटॉमिक स्पेसिंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड मैटर वेव के वेवलेंथ से कंपेरेबल है, ऐसे क्रिस्टल पे इंसिडेंट किया जाता है, और डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन के कारण जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको नोट किया जाता है डिटेक्टर द्वारा। तो ये डिफरेंट एंगल्स के लिए जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनके इंटेंसिटी को नापने की कोशिश की गई इस एक्सपेरिमेंट में, अलग अलग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रखा गया। तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि अगर ये समझो एटॉमिक स्पेसिंग्स है, मतलब अलग अलग प्लेन्स है, ये इंसिडेंट बीम है, ये स्कैटर्ड बीम है, दोनों के बीच का एंगल स्कैटरिंग एंगल है पाई, तो देखा गया कि जब स्कैटरिंग एंगल 50 होता है 50 डिग्री, और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो है वो 54 वोल्ट जब होता है,
तो जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर जहां स्कैटर्ड बीम को इलेक्ट्रॉन के, अभी इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के भूल जाते हम, जो स्कैटर्ड होकर आया है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में इस पर्टिकुलर स्कैटरिंग एंगल के लिए और वोल्ट के लिए, 54 वोल्ट के लिए हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व होती है, यानी वो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिलता है। डिफ्रैक्शन का मिलना ही ये इंडिकेट, कौन स्कैटर हो रहा था भाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, फिर इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिलना मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न पार्टिकल ने नहीं देना चाहिए, इसका ही मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो मेटल में हुआ है, उसका सुपरपोजिशन हुआ डिफ्रैक्शन के कारण, फिर हमें यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न जैसा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम होता है उस प्रकार का, उसका हमें मैक्सिमम मिल रहा है इस एंगल के लिए और इस पोटेंशियल के लिए। ये जो एंगल्स है इंसिडेंट या स्कैटर्ड बीम है सरफेस के साथ जो बनाते हैं उनको स्कैटर ना ग्लांसिंग एंगल्स कहा जाता है। ये तीनों लीनियर एंगल्स हो गए, उसकी एडिशन कितनी आएगी 180, अगर 550 रखा गया तो थीटा की वैल्यू निकलती है 65 डिग्री। फिर जो डी ब्रॉगली अपना ब्रैग्स जो लॉ है जो अपन ने डिफ्रैक्शन पैटर्न में पढ़ चुके हैं, एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए एक्चुअली एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा इन जनरल, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, इसलिए लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। अब जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है वो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे डी की जगह पे जो एटॉमिक स्पेसिंग है निकेल क्रिस्टल के लिए वो 0.91 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है, और जो थीटा निकल रहा है ग्लांसिंग एंगल वो 65 डिग्री है, उसकी वैल्यू अगर रखते हो और कैलकुलेट अगर करते हो आप, तो हमें लैम्डा इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम यूनिट की वैल्यू मिलती है जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, और अगर आप कैलकुलेट करते हो लैम्डा इक्वल टू थ्योरेटिकली 12.27 एंगस्ट्रॉम यूनिट डिवाइडेड बाय एक्सीलरेटिंग वोल्टेज 54, तो आपको वैल्यू मिलती है 1.67। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो हाइपोथेसिस के बाद फार्मूला डिराइव किया गया वो बता रहा है कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंट जो डेविशन और जर्मर द्वारा इलेक्ट्रॉन को निकेल क्रिस्टल पे इंसिडेंट करके उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वेवलेंथ की, दैट इज 1.65 एंगस्ट्रॉम यूनिट, वो था सेम 1.65 1.67, देयर इज नो डिफरेंस, नियरली सेम, जस्ट 0.02 का जो डिफरेंस दिख रहा है। इसका ही मतलब ये हो गया कि ये थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट था एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव किया, और इसलिए जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था उसको कंफर्मेशन मिल जाता है, जो डी ब्रॉगली बताता है कि पार्टिकल के साथ जो मोशन में होता है वेव एसोसिएटेड होती है, वो डेविशन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करके बताया। अब इस प्रकार से इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं छोटे छोटे वीडियोज के फॉर्म में मैंने आप तक पहुंचाया है, आप लोगों को सीरियसली हर एक टॉपिक को वीडियो द्वारा समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद टेक्स्ट बुक में जाना है, टेक्स्ट बुक में उस टॉपिक को पढ़ना है, और बाद में जो भी मैं रिस्पेक्टिव एक्सरसाइज देते जाऊंगा एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। कई भी डिफिकल्टी रही तो आपको फोन थ्रू मुझसे कांटेक्ट करना है, जब तक कॉलेज शुरू नहीं होता प्रैक्टिकली तब तक हमें इसी प्रकार से चलना है, और आपको सीरियसली आपको ये वीडियोज ऑब्जर्व करने हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है बाद में मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ इतने इतने बजे आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, मेरी वीडियो देखनी है, समझनी है, वीडियो समझने के बाद आपको टेक्स्ट बुक में जाना है, नोट्स अगर है तो नोट्स में जाना है, पढ़ना है और उस टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है, और पूरा होने के बाद फिर नहीं समझा कहीं भी तो आपको डिफिकल्टीज पूछनी है। आई एम अवेलेबल, आप अगर कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं निश्चित रूप से, अगर बिजी रहूँगा तो ठीक है मैं बताऊँगा कि बाद में बताता हूँ, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना है, बहुत छुट्टी हो गई, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ और इसके तरफ थोड़ा ध्यान दो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।